महानगर पालिका के अपर आयुक्त श्री दीपक कुमार मीना श्री सतीश चंद्रा डायरेक्टर सी आर इस प्रोजेक्ट को जिनके इनिशिएटिव से शुरुआत हुई है इनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, श्रीमती निवृत्ति राय प्रमुख इंटेल इंडिया श्री श्रीकांत दुबे प्रमुख महिंद्रा एंड महिंद्रा जिनकी सहयोग से इस प्रोजेक्ट को हम आगे ले जा सकें प्रोफेसर पीजे नारायणन जिन्होंने हैदराबाद आईआईटी जिनके जो निदेशक है जिन्होंने इसके लिए जो विशेष ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोड सेफ्टी में जो टेक्निकल रिसर्च करके जो काम किया है उनकी सभी टीम वर्मा कोनाला सीओ ओ आई एन अप्लाइड एआई रिसर्च सेंटर आईआईटी हैदराबाद उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण सभी उपस्थित अधिकारीगण भाई और बहनों सबसे महत्वपूर्ण है कि आज का एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट की शुरुआत नागपुर में हो रही है और नागपुर का सांसद होने के नाते मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपका अभिनंदन भी करता हूं। सांसद होने के नाते हमने नागपुर के लिए कुछ बातें तय की है विशेष रूप से एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन जिसमें भी मांडे साहब आपका निरीक्षण का हमें सहयोग चाहिए कि हमें तीनों को भी इंटरनेशनल पैरामीटर्स के साथ हम उसको नागपुर को पहुंचाना चाहते हैं और तीनों बातों पर हमने काम शुरू किया है विशेष रूप से नाग नदी जो थी नागपुर की उसके ऊपर चौबीस करोड़ रुपये की प्रोजेक्ट की अब शुरुआत हो रही जो सुवेज वाटर हमारा है बाकी भी नालों में काम करने वाले हैं जिससे नागपुर के वाटर पोल्यूशन का प्रॉब्लम निश्चित रूप से हम सुलझाएंगे। और पहली बार देश में ये जो गंदा पानी सुवेज वाटर था इसको रिसाइकलिंग करके हमारी महानगर पालिका पावर जनरेशन के लिए दे रही है जिससे सवा तीन सौ करोड़ हमको रॉयल्टी के रूप में उस पानी से मिलता है अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि उस पानी से मिथेन निकाल कर बायो सी करने की कोशिश चल रही है पर अब मैं और आगे जाकर ये कमिश्नर साहब से मैंने चर्चा की है कि सूएज वाटर का कन्वर्शन से हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन में उसको कैसे हमारे उत्पादन में करें सोलर पावर का उपयोग करके इस गंदे पानी को हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोलाइज़र है उसके द्वारा इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करके ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करके हम शहर का ट्रांसपोर्ट उसके ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं अभी हमने हमारी जो डीजल की हमारे परिवहन समिति के अध्यक्ष यहाँ हैं उपस्थित और हमने अभी डीजल की जो बसेस थी करीब सवा सौ बसेस सी पर कन्वर्ट की है चार दिन पहले मैंने इनकी भी गाड़ी सी पर कन्वर्ट की नागपुर महानगर पालिका में अगर हम लोग पेट्रोल की पूरी गाड़ी अगर सी एन जी पर कन्वर्ट करती है तो मीना साहब हम एक करोड़ रुपए साल का पेट्रोल पे खर्चा कर रहे हैं हमारी बचत कम से कम पचास से साठ लाख रुपए महीने में हो सकती है ताकि सभी अधिकारी और सबकी पेट्रोल कार को तुरंत कन्वर्ट करें ये बात अगर आप सीरियसली करेंगे तो निश्चित रूप से नागपुर का पोल्यूशन भी कम होगा और उसका उपयोग होगा मैंने नीरी में जो पहले डायरेक्टर थे अभी बदल गए उनको कहा था कि आप पोल्यूशन के लिए काम करती हैं तो आपके पूरे व्हीकल आप पेट्रोल डीजल के बजाय सी एन जी पर कन्वर्ट करिए तो उस समय मैंने उनको कहा था कि आप ये प्रोजेक्ट लीजिए ताकि आपके कारण आप सबसे हमारे आदर्श है तो आप कम से कम पोल्यूशन मत करिए तो डीजल का उपयोग नीरी में कम से कम बंद हो आ, हाँ है तो आपके पुराने डायरेक्टर ने वो सी एन जी पंप डाल करके वो प्रोजेक्ट आप आगे ले जाइए और इसमें नागपुर के पोल्यूशन में आप एक पहल करिए पुलिस और मिलिट्री में तो परसों हमारे जो मिलिट्री के जो प्रमुख हैं हरपाल सिंह वो नागपुर मैंने उनको बुलाया था और उन्होंने पूरे सी और एल पर जो हमने कन्वर्ट किया वो पूरे प्रोजेक्ट देखे हैं और कल मैं परसों ही मैं चीफ ऑफ द आर्मी अपने रावत साहब के साथ था उनको भी मैंने कहा है कि आप आपके पूरे मिट्ट्री मिलिट्री के व्हीकल ये सी पर एल पर और अभी इथेनॉल पर कन्वर्ट करिए क्योंकि ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते अभी आने वाले छः महीने में हम मैंडेटरी निर्णय कर रहे हैं कि हमारा पेट्रोल इंजन ये इथेनॉल पर फ्लेक्स इंजन होगा जिसमें हम 100% परसेंट पेट्रोल और 100% परसेंट बायो इथेनॉल यूज़ कर सकेंगे और इथेनॉल के पंपों को भी सरकार ने मान्यता दी है और अभी इथेनॉल की बाइक और स्कूटर भी मैं अभी लॉन्च करने वाला हूँ और पूना में ऑटो रिक्शा भी इथेनॉल की चालू कर रहे हैं इथेनॉल का रेट केवल पैंसठ रुपये है और पेट्रोल का एक सौ है तो निश्चित रूप से लोगों का भी फायदा होगा और अभी मैंने पेट्रोलियम मंत्री जी को एक टेक्नोलॉजी रशिया से लाकर उसका प्रेजेंटेशन किया है कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू और पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू, वैल्यू हम सेम करेंगे उसकी मिक्सिंग की पद्धति से तो इथेनॉल हमारे देश में तैयार होता है और पेट्रोल हम इम्पोर्ट करते हैं तो बी एम डब्ल्यू मर्सिडीज़ होंडा टोटो सब लोगों ने अब मान्य किया कि वो फ्लेक्स इंजन पर जाएंगे अभी सी के एक कार्यक्रम में मैं था जिसमें एक कैनेडियन एक्सपर्ट थे उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन पर प्रेजेंटेशन किया और ब्राज़ील के एक्सपर्ट थे उन्होंने इथेनॉल पर किया तो मुझे खुशी हुई कि, कि कल परसों मुझे टोयाटो के चेयरमैन विक्रांत किरलोस्कर का मेल आया और उनने मुझे बताया कि वो पे इलेक्ट्रिक कार से भी इथेनॉल का पोल्यूशन और कम है और वो हंड्रेड परसेंट फ्लेक्स इंजिन का उन्होंने काम शुरू किया है और जल्दी ही वो टोएटो की पूरे इंजन पेट्रोल के उस पर कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम जल्दी इसको लॉन्च करेंगे तो एक प्रकार से ये जो पोल्यूशन के ऊपर बड़ा काम हो रहा है उसी प्रकार से रोड इंजीनियरिंग में भी हमने अभी एयर बैग्स के बारे में मैंडेटरी करने का निर्णय किया है ताकि इकोनॉमिक मॉडल में एयर बैग्स नहीं थी तो मैंने पूछा कि गरीब को मरने दो धनवानों की जान बचाओ ऐसी कोई आपकी नीति है क्या इकोनॉमिक मॉडल में क्यों नहीं करते तब इकोनॉमिक मॉडल में भी छः एयर बैग्स रहेगी और जिसके कारण निश्चित रूप से हम लोगों की जान बचाने में सफल हो गए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसके साथ साथ ऐटोवेल इंजीनियरिंग में काफ़ी हमने निर्णय किए हैं जिससे रोड सेफ्टी के तरफ हमने उसके तरफ ध्यान दिया है तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह भी है कि इसके साथ साथ ऐटोवेल इंजीनियरिंग में काफ़ी सुधार तो हो रहे हैं पर अब हमने जो रोड में भी काफ़ी तीन विश्व विक्रम किए हैं कि अब वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रोड कंस्ट्रक्शन हमारे राष्ट्रीय महामार्ग का है 38 किलोमीटर पर डे और ये भी विश्व विक्रम है और दूसरा भी हमने किया कि ढाई लेन ढाई किलोमीटर फोर लेन कंक्रीट रोड हमने केवल चौबीस घंटे में मुंबई बड़ौदा मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर मुंबई बड़ौदा के बीच में बनाया और उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला तीसरा जो सोलापुर विजापुर जो रोड है वहाँ हमने एक ही दिन में 24 घंटे में 26 किलोमीटर वन लेन बिटवीन रोड बनाया तो ये तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हुए हैं और दो दिन पहले हमने हमारी एयर रोड पर रोड कम एयर स्ट्रिप बनाई और मैं एक बहुत बड़े हवाई जहाज़ में बैठकर दिल्ली से हम निकले थे एयरफोर्स के हमारे चीफ ऑफ द एयर एयरफोर्स थे मैं था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी थे और उसका जब लैंडिंग हुआ तो मैं पायलट के बाजू के एक कुर्सी पर मैं खड़ा था दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर थे और बीच में हमारे एयरफोर्स के एयर चीफ खड़े थे भदोलिया जी और जब उसका लैंडिंग हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी एयर स्ट्रिप से भी कई गुना आपका रोड ही अच्छा बना हुआ है तो अभी ऐसी बीस एयर स्ट्रिप हमने बनाई जहाँ रोड कम हवाई जहाज उतर सकेंगे और जो रोड सेड एमिनिटीज हम बना रहे हैं उसमें साढ़े चार सौ बना रहे हैं उसका उद्देश्य यह है एयर एम्बुलेंस के द्वारा अभी नागपुर में हमने लंग्स और हार्ट को ट्रांसप्लांट करने का काम शुरू किया है कोविड के समय बहुत लोग मर गए हम उनको चेन्नई पहुंचा नहीं पाए मैं हमारे एक एमएलए एल अनिल सोले उनका भाई मर गया क्योंकि यहाँ से पहुँचा नहीं पाए तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के बारे में हमने ड्राइविंग लाइसेंस में प्रोविज़न किया है कि वो व्यक्ति लिखता है कि अगर कोई दुर्घटना हुई तो मैं अपने पूरे ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए तैयार हूँ तो ये तुरंत अगर हम एक्सीडेंट होने के बाद उनको हेलीकॉप्टर की हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस से अगर हॉस्पिटल ले जाएंगे तो हम निश्चित रूप से एक तो पहले उनकी जान बचा सकें बचाने की कोशिश करेंगे अगर जान नहीं बची तो कम से कम ये जो ऑर्गन्स है इससे अनेक लोगों को आंखें मिल सकती है हार्ट मिल सकता है लंग्स मिल सकती है ये और ये जो ऑर्गन्स डोनेशन से लाखों लोगों का जीवन बदल सकता है ये भी काम इसके द्वारा करने की हमारा प्रयास है तो ये आपके लिए और इस काम में आगे जाने के लिए बहुत बहुत मौका है पर पहली बार एक्सीडेंट ही ना हो ये क्यों ना हो ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आज मीडिया के लोग भी आए वो ज़रा स्टैटिस्टिक के बारे में नागपुर का भी मैं लेके आया हूँ और मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि मैं भी सांसद होने के नाते इसमें कैसे मंत्री होने के नाते फेल हुआ ये भी आपको बताना चाहूंगा और आप इसमें सबको एक्सपोज करने का काम करिए क्योंकि ये जो अधिकारीगण है इनकी क्षमा मांगकर आपको कह रहा हूं जितनी संवेदनशीलता चाहिए उसका परिचय नहीं होता कितने ब्लैक स्पॉट्स है ये महानगर पालिका के इंजीनियर सामने बैठे हैं एन के हैं हमारे एन आई के हैं तुरंत एक्सीडेंट क्यों हुआ उसका अध्ययन करना उसको सुधारना इसके बारे में कोई इनिशिएटिव नहीं है और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी यंत्रणा को और संवेदनशील बनना पड़ेगा और लोगों के जान बचाने के लिए रोड सेफ्टी के लिए उनको सहयोग करना पड़ेगा तो विशेष रूप से महानगर पालिका का एन का और पुलिस यंत्रणा का बहुत इम्पोर्टेंस है एक दो एक चार दिन पहले मेरे यहाँ मैंने मीटिंग करवाई थी जिले के भी पुलिस अधिकारी थे शहर के भी थे और मुझे लगता है वो देख रहे है पर वो स्टैटिस्टिक डाटा कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन कोऑपरेशन बहुत कमी है एक क्या कर रहा है दूसरे को मालूम नहीं दूसरा क्या कर रहा है तीसरे को मालूम नहीं और इसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स दिक्कतें हैं हमें सबको मिलकर इन बातों को जो अड़चने हैं उनको रिमूव करना है और इसलिए सबसे अच्छा कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके टीम में क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एक बात में भी बहुत क्लियर हूं कि जो व्यवस्था काम नहीं करती उसको उखाड़ के फेंक दो ये कहने में मैं संकोच नहीं करता तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा वृद्धि आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन और अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं बड़े बड़े जाऊंगी तुम वर्मी कल्चर करने के भी लायक नहीं हो तुम वी आर एस लो और घर जाओ तो कभी कभी इसलिए कहता हूँ क्योंकि आई वी लाइक पीपल जो परफॉर्म्स करें और इसलिए इकोनॉमिक ऑडिट से भी परफॉर्मेंस ऑडिट इम्पोर्टेंट है और ऑलवेज आई स्लोगन दैट आई लाइक पीपल हो कैन गेट द थिंग्स डन तो इसमें अभी आपके इसमें ये पूरे जो स्टेक होल्डर्स है उसमें मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी ओ जो भी आई आई टी ग्रेजुएट और चीफ इंजीनियर रिटायर्ड हुए हैं मिस्टर थेग या उपस्थित थे, हैं उनको आप आपके टीम में ज्वाइन कर लो क्योंकि दंडा मारने का काम आप नहीं कर पाओगी मुझे बताओगे तो मेरे नाम से ही आधे काम आपके हो जाएंगे जब मैं रिव्यू कर रहा हूँ ये पता चल जाएगा तो सिस्टम की स्पीड एकदम वर्ल्ड स्टैंडर्ड की रिकॉर्ड ब्रेक बन जाएगी क्योंकि मैं अगर कहीं कोई ढीला ढाला आया तो मैं उसको ठोके बिना तो छोड़ता ही नहीं हूँ तो मैं इन सब यंत्रणाओं को फास्ट कर दूँगा तो आप एक बार उनको भी इसमें लो इतना ही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है दूसरी तीसरी बात जो मांडे साहब अनय है निरी के डायरेक्टर है सेंट्रल रिसर्च अभी मैं यही बाजू के बिल्डिंग में रहता हूँ और मैं ग्यारहवें मंजिले पर रहता हूँ तो मेरे पास पहले मुझे अकल मिली कि जो नीचे में आवाज़ होता है ऊपर में ज़्यादा आता है इसका अनुभव मुझे आया और पिछले कुछ दिनों से मैं रोज़ एक घंटा प्राणायाम भी करता हूँ और एक घंटा एक्सरसाइज करता हूँ तो रोज़ यहाँ खट 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 जितने आवाज़ आते है वो रोज़ मैं डिस्टर्ब होकर के एक घंटा ये सब आनंद लेता हूँ कितना यहाँ का पोल्यूशन होता है तो मेरे ध्यान में आया कि वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के साथ साउंड पोल्यूशन भी इम्पोर्टेंट है दुर्भाग्यवश उसके तरफ ध्यान नहीं है तो अभी उसका मंत्री मैं हूँ तो मेरी कमी है वो तो हमने ये तय किया है कि अभी हमारे यहाँ जैसे इंजीनियर्स जो थे ये बैठे सेंट्रल रिसोर्स इनके इनको भी मैं चैलेंज करता हूँ कि एक भी फ्लावर ऐसा नहीं है कि जिसके एक्सपेंशन जॉइंट अच्छे हैं तो मैंने ठेकेदारों को तो खूब ठोकाया अधिकारियों को भी ठुकाई की है अभी पर मैं जब 95 में मुंबई महाराष्ट्र में मंत्री था तब मैंने मुंबई में पचपन उड्डन पुल और मुंबई पुना एक्सप्रेस है और वरली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया तो आप एक बार ज़रूर जाकर मैंने जे जे हॉस्पिटल में एक फ्लाई बनाया जे जे हॉस्पिटल से वीटी तक वो श्रीनिवासन करके कंसल्टेंट है हांगकॉन्ग के और उसके एक्सपांशन जॉइंट देखो पेट का पानी नहीं हिलता ना आवाज आता है यहाँ के मैंने चेंज करने के लिए लगाया और अभी मैंने कहा है कॉन्ट्रैक्टर को तुम्हारे सब चेंज करने पड़ेंगे मैं उखाड़ उखाड़ के निकाल के बाहर करूँगा और आपको नए लगाने पड़ेंगे तब तो वो आप ये जो रोड में आवाज़ क्यों आता है इसमें इस कंक्रीट फे सरफेस होने के बाद उसके ओर बिटूमिन सरफेसिंग करना या बिटूमिन में रबर डालना या प्लास्टिक और रबर को यूज़ करके कैसे करना ताकि आवाज़ कैसे कम हो जब नया नया मुंबई पुना एक्सप्रेस हाईवे बना तो सीमेंट रोड के कारण बहुत जगह टायर को आग आग लग गई तो मुझे लगता है कि आप टायर से लेकर हॉर्न तक भी आप रोड के साथ आप आपका रिसर्च बढ़ाइए और अब मैंने ये निर्णय किया है कि अब हॉर्न जो बजाते और जो पहले तो हमने सायरन बंद कर दिए इसमें बहुत अच्छा मुझे एक काम हुआ कि मंत्रियों से लेकर अनेक लोगों के सायरन बंद करने का सौभाग्य मुझे मिला और इसलिए सब सायरन बंद हुआ अभी जो सायरन है वो एम्बुलेंस के है और पुलिस के कुछ गाड़ियों के हैं बहुत से जिलाधिकारी मुझे कहते कि हमको सायरन चाहिए क्योंकि सायरन ये स्टेटस टिम्बॉल बना था और सरकारी अधिकारी और मंत्रियों को लगता है कि कैबिनेट का दर्जा है लाल दिया वो लाल घूमता हुआ लाल दिया ये अनेक सपनों का एक प्रकार से एम्बिशन रहती थी और वो हमने पूरे उखाड़ के फेंक दिया अभी इनके बाकी है ये भी फेंकने का इच्छा थी पर ये केवल पुलिस के कुछ गाड़ियों पर इसके रखे हैं तो ये जो सायरन का आवाज़ होता है तो मुझे आइडिया है कि मैंने अभी हमारी आकाशवाणी में जो एक जर्मन वायलिन वादक थे तो जब वो जब आकाशवाणी में सुबह साढ़े पाँच बजे वो बजती थी ट्यून वो तो आकाशवाणी की ट्यून है तो ऐसी कोई ट्यून बजेगी जिससे कानों को कुछ अच्छा लगे इतने कर्कश आवाज़ देते सब सायरन उसको बंदी लानी चाहिए तो मैं ही वो मैं काम करूँगा वो एक्ट मिल गया मैं काम कर रहा हूँ और मैं सब मैन्युफैक्चरर को कहने वाला हूँ कि अब इसके बाद हॉर्न जो बजेगा वो इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का ही जो स्वर आगा उसी का मंगल अच्छा स्वर उसमें आएगा ये जो पाँ पॉँ करके बजाते हैं ये नहीं चलेगा और ये रोड के बीच में होने वाला आवाज़ और बाड़ी के कारण होने वाला आवाज़ ये तो ट्रक और हमारे देश में तो आर टी ओ कैसे फिटनेस सर्टिफिकेट देते अभी मैं कुछ कहता नहीं मैं मंत्री हूँ उसका और ये कॉन्क्रेट लिस्ट में है और इसलिए इनको सबको सुधारने के बारे में मैं कोई चिंता नहीं करता काफ़ी बातें सुधरी है स्टेट लेवल पर कुछ सुधारने की आवश्यकता है और इसलिए फाइंस करने के बारे में भी हम लोग नए नए आ रहे हैं कि रोड पे जो पार्किंग करते हैं तो मैंने कहा पुलिस वालों पर बहुत प्रेशर है काम का तो समाज में बहुत सेवाभावी लोग हैं कुछ रिकामचोट भी है कि वो खड़े हुए रोड पे गाड़ियों का फोटो निकालें और उस तारीख़ और डेट को भेजकर कर अथॉरिटी के पास भेज दें अगर उससे फाइन वसूल होता है तो फोटो निकालने वाले को भी 25 परसेंट मिल जाएगा <laughs> तो पुलिस का भार भी कम हो जाएगा <laughs> नहीं तो इनके यहाँ तो पकड़े नहीं पूरे एन एच के रोड पर पूरे गाड़ियों का पार्किंग पूरे ढाबे बने हुए हैं मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे दामाद है क्या उनका क्यों नहीं कार्रवाई होती तो ये कार्रवाई क्यों नहीं होती इसका कारण आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है तो ये पब्लिक जना आक्रोश जैसी संस्था है फोटो निकालने का काम करेगी तो ये भी एक कंट्रोल होगा और ये अच्छा काम होगा बेरोजगारों को भी रोज़गार मिलेगा तो वो भी कर रहे हैं और हॉर्न की भी हम सुधार कर रहे हैं एक जो सड़क दुर्घटनाओं के बारे की स्थिति है उसमें भारत में डेढ़ लाख सड़क दुर्घटनाएं और पाँच लाख मौतें हैं और विश्व में हम सबसे अधिक हैं इसमें सत्तर मौतें अठारह से चालीस वर्षीय युवाओं की हैं बहुत दुखद बात है और हमारे जीडीपी का टोटल 3.14 परसेंट लॉस सड़क दुर्घटनाओं के कारण हो रहा है और इसलिए 2025 तक सड़क दुर्घटना में 50 टक्के कमी करने की हमने संकल्प किया है और मैं जब स्टेक में गया था तो उसको हमने साइन भी किया एग्रीमेंट को 2030 तक और हमने तय किया कि 2025 तक ये टारगेट पूरा करेंगे और 2030 तक हम इसको जीरो तक लाएंगे वर्ल्ड में अनेक लोगों ने जीरो तक लाया हुआ है इसमें रोड इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एजुकेशन इमरजेंसी ये सब बातों का महत्व है ही और सभी स्टेक होल्डर जैसे कॉर्पोरेट की भी मदद एजुकेशन इंस्टूडेंट की भी मदद आज जैसा मैंने आपको उल्लेख किया कि यहाँ हमारे यहाँ वी है कल मैंने उनको बोला था कि हमारे चौक डिज़ाइन करने के लिए आप मदद करो और जो डी बनाते हैं उनके पीछे भी दंडा लेके क्योंकि उनके ऊपर एफआर डाल के इनको लॉकअप में नॉन अवेलेबल ऑफेंस डाल के अंदर करो इंजीनियर और डी पी ये भी हमने नए एक्ट में प्रोविजन किया है गलत डी बनाते हैं तो मैंने उनके परसों मीटिंग ली और मैंने कहा तुमको मैं जेल की हवा दिखाऊँगा तुम्हारे डी परफेक्ट नहीं करेंगे तो, तो अब ये निश्... पूरी सुधार करने में निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये इंजीनियरिंग इन्फोर्समेंट एजुकेशन एंड इमरजेंसी केयर सर्विसेज चार ई में तो सुधार होगा और इसमें प्रभावी रूप से जो सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इसमें आईआईटी के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है केवल प्रॉब्लम यही आता है कि कॉस्ट पे आता है और ये जो बसेस वगैरह ये मैंने आपको पिछले बार बताया कि स्टेट गवर्नमेंट की वो भी मैं उसका डायरेक्ट नहीं पर मेरे अंडर है वो तो ये जितनी बसेस हैं ये ऐसी है इसकी विशेषता है कि इनका हॉर्न छोड़कर सब बचता है <laughs> और उनके पास अब डीजल भरने के लिए भी पैसे नहीं है तो काय का पैंतीस हज़ार का ये लगाएंगे वो तो बहुत कठिन है ये कारपोरेशन का घाटा साठ करोड़ है अब इनकी बस सर्विस मैं मेट्रो के मत्थे लगाने के पीछे पड़ा हूँ अब उसमें चालीस बसेस से लेकर फुकट में देने के लिए वो तैयार नहीं है तो अब धीरे धीरे इनको भी ढूंढना पड़ेगा कि इकोनॉमिक वायबिलिटी कैसी है इसके लिए लंडन ट्रांसपोर्ट का जो मॉडल है उस पर हम काम कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर आने के बाद ही वो होगा तो मेरे को आपको यही कहना है कि सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी सस्ती होनी चाहिए अगर आप महंगी करेंगे तो ये तो अभी ऐसी स्थिति है तो कहाँ से लगेगा और हम जब लोग कोई भी आपकी टेक्नोलॉजी कार में बस में ट्रक में लाते हैं तो मैं बीच में ये ए, ए, ट्रक की केबिन एयर कंडीशन करने के बारे में आग रही था तो मेरे पीछे गो इनका जी अब इनके एम डी थे ऐसे पीछे पड़े नहीं बहुत महंगी होगी कॉस्ट बहुत महंगी होगी इतने बार लोग सब ऑटोबाइल वाले टाटा वाले लेलैंड वाले मुझे मिले आखिर मैंने कहा फिर एयर कूलिंग का कुछ करो पर आज वर्ल्ड में जिस प्रकार की ट्रक बॉडीज़ है ट्रक प्रकार के कैबिन्स है बसेस है उस हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड बहुत घटिया है अब घटिया शब्द में विचारपूर्वक यूज़ करो इससे और कठोर शब्द नहीं है इसलिए वो यूज़ कर रहा हूँ तो स्वाभाविक रूप से हमें इसमें सुधार करना होगा क्योंकि रोड पर जाने के बाद जो जॉइंट्स हैं रोड के ऊपर और जो क्वालिटी ऑफ रोड्स है, टायर है और इंजन के आवाज़ के साथ रोड की क्वालिटी के साथ सेफ्टी मेजर्स के साथ हमको सभी जगह पर एक आइडियल स्टेज पे पहुंचना है तो मुझे लगता है कि आई आई इसमें हमारा जरूर उपयोग में होगा एक नागपुर का जो प्रयोग है वो मैं चाहता हूँ कि मीडिया इसको छापे क्योंकि ये पुलिस सर्विस कलेक्टर कारपोरेशन मैं सांसद ये एमपी है हम सब की यह कमी है ये जरा छपवाई है लोगों में तो जनता को भी समझ में आएगा कि यहाँ क्या काम है तो नागपुर में आप आए रास्ते कर रहे इसका दो साल का पीरियड है मुझे खुशी है और मैं इंटेल आई एन एच आई एन आई 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 टी हैदराबाद सी आर आर न्यू दिल्ली और महिंद्रा को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। टोटल इसमें नागपुर में लगभग पंद्रह से दुर्घटनाएं होती है और 250 मौतें हर साल होती है अब इसमें वाहन सुरक्षा के जो पहलू है उसका स्टडी वी भी आपको मदद करेगी अच्छा है उनके प्रिंसिपल से मेरी बात हुई है मुझे मांडे साहब शायद वहीं के स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से वो आपको बहुत मदद करेंगे और इसमें ज़्यादातर सड़क दुर्घटनाओं में ये पुलिस वाले एक लिख देते हैं कि ड्राइवर जिम्मेदार है जो गरीब आदमी उसका बलि यज्ञ में दिया जाता है तो ये ना रोड इंजीनियरिंग ना पुलिस कोई जिम्मेदार नहीं ड्राइवर जिम्मेदार है वो तो पूरा सच नहीं होता तो इसलिए ड्राइवर को भी ट्रेनिंग देना अच्छा ये हम लोग कर रहे हैं तो मेरी आपसे एक ही है कि ये जो इंटेलिजेंस ट्रैफिक टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इसका निश्चित रूप से उपयोग करते समय हमें थोड़े से स्पॉन्सर देखने पड़ेंगे जैसे आज महेंद्र ने दिया बाकी लोगों के लिए भी हम एस और यहाँ इन्फोसिस वगैरह है और आप भी यहाँ मिहान में हमारे आप कोशिश करेंगे कि इसमें सबका सहयोग कैसा मिले एक्सीडेंट्स ब्लैक स्पॉट्स की पहचान उसका मैपिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो किया जाएगा उसमें पुलिस कमिश्नर के पास कुछ ब्लैक स्पॉट है कुछ ब्लैक स्पॉट्स हमारे स्टेट पी के पास हैं और कुछ हमारे एन के पास है तीनों का आपस में कोई तालमेल नहीं मिलना जुलना नहीं है तो क्योंकि मैं पहले परसों ही इनको उनका मालूम है उनका इनको मालूम है पर अभी शुरुआत हुई है यहाँ डी सी ट्रैफिक है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं तो तीनों एजेंसी में आप अगर ये कॉर्डिनेट करेंगे तो ये आइडेंटिफाई होंगे और इसको सुधारने का जिम्मेदारी मुझे दीजिए ताकि आप निश्चित समय में हम उसको सुधारने का काम करेंगे इसमें रोड सरफेस कंडीशन रोड साइनेजेस रोड मार्किंग सिग्नल्स डिटेल्स यूटिलिटी एसेट्स टाइप ऑफ व्हीकल्स मॉडल इन यूज इसका भी डाटा इसमें संकलित होने वाला है उसका भी फायदा होगा ये जो ड्राइविंग ड्राइवर वार्निंग सिस्टम है इसकी बहुत उपयोगी है और इससे साठ तक के जो डायरेक्ट डैश होती है उसके एक्सीडेंट में कमी आएगी तो निश्चित रूप से इसका उपयोग होगा एक्सीडेंटल ब्लैक स्पॉट जो है उसकी भी कमी आएगी और टेक्नोलॉजी को फिर आगे भी सभी शहरों में ये आगे जाएगी और ये स्मार्ट सिटी बनने में हमें निश्चित रूप से पहचान देगी और मॉडल प्रोजेक्ट है तो बाकी शहरों में भी आगे जाएगा नागपुर में जो सड़क हादसों की स्थिति है वो भी बहुत चिंताजनक है शहर में हर साल लगभग पंद्रह सौ सड़क दुर्घटनाएं होती है और दो सौ पचास लोग मरते हैं क्रैश सर्वि सर्विरिटी इंडेक्स नागपुर में ये यह में 21.22 था 2019 में 24.83 है और 2020 में 70.17 पॉइंट सेवेंटीन है यानी बड़ा है जबकि कोविड में सब जगह एक्सीडेंट कम हुए मरने वालों की संख्या भी नागपुर में ये बड़ी है ये मेरे से लेकर ये जितने अधिकारी रहे उनके लिए अच्छी बात नहीं है इसको बहुत सीरियसली हमको एड्रेस करना पड़ेगा ये जो तीन वर्षों में क्रैश सर्विरिटी जो है इसमें प्रति सौ दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें में लगातार वृद्धि हो रही है डेंजरस है नागपुर शहर में प्रति एक लाख की आबादी पर औसत आठ लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो रही है जो है। मुंबई शहर की तुलना में चार गुना अधिक है यानी मुंबई में जितने लोग मर रहे हैं उससे चार गुना अधिक नागपुर में मर रहे ये थोड़ा मीडिया वाले भी इसको छापे और ध्यान दें इसके तरफ कौन सी यंत्रणा ढेरी है करके और मैं सांसद के रूप में सड़क सुरक्षा के लिए काम कर रहा हूं, तो मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है आई डोंट हैव एनी हेजिटेंट टू एक्सेप्ट दिस और ये सुधारना चाहिए इसके लिए टेक्निकल बाकी सब बातों में आपका सहयोग है और मुझे लगता है ये प्रयोग करने के बाद तीन साल के अंदर ये 250 की जो मौतें हैं इसको हम लोग अगर बहुत बड़े प्रमाण में मैं आज कुछ कहता नहीं हूँ तो यह जान बचेगी तो ये दैट विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट और इसलिए मैं निश्चित रूप से निवृत्ति राय जी को हमारी सभी इंस्टीट्यूशन के प्रमुखों को ये अनुरोध करूँगा कि नागपुर की सोशल ऑर्गेनाइजेशन एन जी ओज यहाँ के कॉर्पोरेट्स आपको और मदद करेंगे मेरा ऑफिस भी इसमें कोऑर्डिनेट करेगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर वो भी करेंगे और निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हुआ तो ये अनेक शहरों में अगर इसका उसी प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन होगा तो हम जो कह रहे कि जो डेढ़ लाख लोग मर रहे हैं थ्री परसेंट का जीडीपी का जो नुकसान है मुझे लगता है कि अगर इसको हम बदल सकेंगे तो निश्चित रूप से देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि एक अच्छी शुरुआत आपने नागपुर में की है फिर से एक बार निवृत्ति राय इंटेल की प्रमुख जो है उनको बाद में इसको स्पॉन्सरशिप देने वाले महेंद्रा एंड महेंद्र कि जो प्रमुख है आनंद महेंद्र उनको भी और श्रीकांत दुबे हैं उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा मुझे आनंद महेंद्र जी ने बताया कि उन्होंने मुंबई पुणे का भी ऐसा एक प्रोजेक्ट लिया था और उस पर जो मिश्रा करके उन्होंने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है और वहाँ उन्होंने पीयूष मिश्रा पीयूष तिवारी बहुत अच्छा काम किया उसका परसों प्रेजेंटेशन मैंने हमारे यहाँ रखा था तो आपको मैं एक अनुरोध करूँगा कि जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है पीयूष के है आपके और लोगों के है इन इंस्टीट्यूशन के है इसको कैंपेलिंग करके इसकी कोई एक पॉलिसी बनाओ और ताकि मैं अपने मिनिस्ट्री की ओर से ये पुलिस ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग के लिए इंजीनियर्स के ट्रेनिंग के लिए इसका उपयोग कर सकूँगा तो ये जितने सक्सेसफुल एक्सपेरियमेंट्स हैं दैट इज़ नॉलेज मैं अक्सर एक बात कहते रहता हूँ कि इनोवेशन एंटरप्रीनरशिप साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिस वी नेम इट एज अ नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इन वेल्थ इज द फ्यूचर फॉर द कंट्री तो मैं मानता हूँ कि ये एक नॉलेज पेपर अगर आप इसको वेबसाइट पर भी रखें और हमारा हार्ड कॉपी भी तैयार करेंगे तो दिस कैन बी ए इंस्पायरेशन एंड मोटिवेशन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द कंट्री बहुत अच्छा दि काम होगा मैं खुद का मेरा बहुत एक्सीडेंट हुआ है बड़ा मैं बहुत भुगत भोगी हूँ और इसलिए मैं इसके बारे में बहुत संवेदनशील भी हूँ और मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पूरे देश में इन मरने वाले लोगों की संख्या कम हो कभी कभी गुस्से से मैं हमारे इंजीनियर को पूछता था कि तुम्हारे घर का कोई बेटा बेटी मर जाएगी तो आपको क्या लगेगा आप ऐसे बोथट क्यों हों आप क्यों नहीं संवेदनशील हो इसके बारे में तो मुझे लगता है कि यह कभी प्रसंग किसके ऊपर ना आए क्योंकि अनेक घरों में यंग लड़के लड़कियां चले गए हैं वो संकट अगर बाकी लोगों पर नहीं आना चाहिए तो समाज के सभी स्टेक होल्डर सोशल ऑर्गेनाइजेशन एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कॉरपोरेट्स इंजीनियर्स पुलिस अधिकारी आर ऑफिसर्स इन सबको लोकाभिमुख संवेदनशील बनना होगा तभी हम भविष्य में होने वाली ऐसी जवान लोगों की जो हानि हो रही है जो हमारे प्रिय व्यक्ति को हमको गंवाना पड़ता है निश्चित रूप से उनकी जान बचाने में हम सफल होंगे मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नागपुर का सांसद होने के नाते कि हमारे शहर के अगर इन लोगों की एक्सीडेंट्स कम होंगे मौतें कम होंगी तो दैट क्रेडिट विल गो टू यू तो निश्चित रूप से आप ये अच्छा काम कर रहे हैं मैं दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ धन्यवाद